मैं COVID-19 पॉजिटिव थी और आज इन्फेक्शन के 14 दिन के बाद में मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हूँ। केवल हल्की हल्की खांसी है मेरे। तो इस वीडियो में आज मैं आपको वो मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि इन्फेक्शन के बाद में मैंने कौन कौन से सिम्टम फेस किए और मैंने कौन सी थेरेपीज यूज़ की, साथ ही साथ मैंने क्या डाइट ली और कौन कौन से टेस्ट करवाए। और वीडियो में सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने COVID-19 से पॉजिटिव होने के बाद में मुझे अच्छे स्वास्थ्य के लिए गुड विशेस दी। क्योंकि किसी भी महामारी में, चाहे वह COVID-19 हो या फिर कोई भी हो, मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है। उससे मुझे काफी सपोर्ट मिला। तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। माई सेल्फ प्रगति जोशी, वेलकम इन फिट मी पीजे। आई एम फार्मासिस्ट एंड वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन राजस्थान। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ डे बाय डे मैंने कौन कौन से सिम्टम फेस किए। फर्स्ट डे इन्फेक्शन का था, वो था 1 तारीख को, 1 मई। मैं ड्यूटी पर थी, गले में थोड़ा थोड़ा सा दर्द हुआ, हल्का दर्द था। मैंने इसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन माना और मैं घर आ गई। नेक्स्ट डे 2 तारीख को संडे था। मैंने सोचा कि वर्किंग डे केवल 2 आवर्स का ही है, तो मैंने ड्यूटी करने की सोची। मैंने सोचा आराम से मैं मैनेज कर लूंगी, पर ड्यूटी टाइम पर वहीं पर ही मुझे गले में दर्द तेज होने लगा और अब मुझे थोड़ी थोड़ी थकान भी थी। तो मैंने वहीं पर ही डाइक्लोपेरा टेबलेट, एनाल्जेसिक होती है, वो मैंने ले ली और मैं घर आ गई। नेक्स्ट डे मुझे ऐसे लगा कि वायरल इन्फेक्शन है तो मुझे रेस्ट करना चाहिए। मैं इसे COVID-19 अभी भी नहीं मान रही थी और मैंने रेस्ट करने के लिए 2 दिन का ऑफ लेने का सोचा। मैंने 3 और 4 तारीख की छुट्टी ले ली, पर इन 3 और 4 तारीख तक आते आते मेरे सिम्टम्स बढ़ते जा रहे थे। उसमें गले में दर्द और थकान के साथ साथ मुझे अब हल्की हल्की खांसी आ रही थी और बलगम के साथ खांसी आ रही थी, और मेरा नाक पूरी तरह से जाम हो चुका था और मेरी आवाज़ है वह चेंज हो चुकी थी। आवाज़ में भारीपन आ चुका था और मुझे थकान होती थी। और दिन के लास्ट में जाते जाते, शाम तक आते आते मैं इतनी थक जाती कि मुझे रेस्ट करना ही पड़ता और थोड़ी थोड़ी मुझे फीवर भी आ रही थी। तो अभी भी COVID-19 का एक सिम्टम्स मेरे में नहीं था। वो कौन सा था? लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। परंतु यह सिम्टम्स भी 5 तारीख को आ चुका था, और वो था कि मुझे स्मेल का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। मुझे डीओ और जो पानी है उसको उसको कंपेयर करें तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन सा डीओ है और कौन सा पानी है। टेस्ट में मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि टेस्ट किसका क्या है। मैं जैसे कि मैं तीखा तीखा लेती, जैसे मिर्ची हो, काली मिर्च है, अदरक है, इसके तीखेपन को मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही थी। मैं चाय पी रही थी तो उसमें मुझे पता नहीं चल रहा था कि यह अदरक की चाय है, काली मिर्च की चाय है या तुलसी की चाय है। मतलब टेस्ट को डिफ्रेंशिएट करने की पावर मेरी जा चुकी थी। खाना खाती थी तो पता नहीं चलता था टेस्ट का बिल्कुल भी। तो मैं थोड़ी अलर्ट हुई और मैंने नेक्स्ट डे 6 तारीख को टेस्ट करवाने की सोची, सैम्पलिंग RT-PCR देने की सोची। साथ ही साथ मैंने ये भी सोचा कि मैं 3 टेस्ट करवा लूँ तो ठीक रहेगा। एक तो जो RT-PCR टेस्ट है उसके साथ साथ HRCT, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे जो इन्फेक्शन है वह लंग्स में कितना गया है। नेक्स्ट CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट भी, जिससे मुझे पता चले कि लंग्स में इन्फ्लामेशन कितना हुआ है। डी डाइमर टेस्ट, वो भी मैंने करवाने की सोची, जिससे मुझे पता चले कि मेरा बॉडी में कोएगुलेशन की जो लेवल है वो कितना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हम SK हॉस्पिटल गए, वहाँ मैंने सैम्पलिंग दी। अब COVID-19 का टेस्ट का रिजल्ट नेक्स्ट डे 24 घंटे बाद आना था, और HRCT का जो मैंने टेस्ट दिया उसमें मेरी 1 घंटे बाद में स्कैन आ चुका था, और वो मैंने देखा और उसको मुझे मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा था। तो मैंने कंफर्मेशन के लिए जो जिस डॉक्टर्स को मैंने जैसे दिखाया था उनको ही मैंने वो स्कैन ले जाकर जैसे इंक्वायरी के रूप में मैंने देखा कि क्या सही में ही मुझे कोरोना है क्या। तो डॉक्टर्स ने वही बताया कि हाँ, देख कर कि हाँ ये कोरोना है। उस टाइम पर मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे एंग्जियस फील हुआ और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मीडिया में और सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा बना रखा था और है भी वास्तव में कि कोरोना
एक खतरनाक बीमारी है। तो मैं फैमिली सपोर्ट के कारण और फ्रेंड्स की जो मोरल सपोर्ट मिला मुझे उसके कारण मैं इसको थोड़ा थोड़ा जैसे मैनेज करने के लेवल में आ रही थी। मैंने उसको फेस करना शुरू कर दिया और मैं हॉस्पिटल से घर आ गई। घर आकर मैंने सबसे पहले जो किया वो था कि मैंने खुद को फैमिली मेंबर से आइसोलेट कर लिया। टेस्ट देने के बाद में जो भी आपको करना है वह सबसे पहले है कि आपको घर में फैमिली मेंबर से खुद को आइसोलेट करना है, मतलब आपको उनके साथ नहीं रहना है। मैं अलग कमरे में रही, लेट बाथ भी मैंने अलग ही यूज किए। नेक्स्ट मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया, मैं खुद का खाना नहीं बना रही थी, मैं प्रॉपर रेस्ट ले रही थी। मतलब मैं केवल अपनी ही काम करती थी, डेली एक्टिविटी पर्सनल एक्टिविटीज के काम कर रही थी और प्रॉपर रेस्ट लिया मैंने। नेक्स्ट मैंने डाइट का पूरा ध्यान रखा और फ्लूड लेवल, बॉडी के फ्लूड लेवल को मैंने पूरी तरह से बनाए रखा, मतलब हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखा। मैं पूरे दिन में मेरा जो एम होता था कि मैं इतना पानी तो पीऊँ ही पीऊँ, मतलब मैं पानी लगातार पी रही थी और जूस और ये सब ले रही थी। डाइट में मैं मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था और खाने में बिल्कुल इच्छा नहीं थी, फिर भी मैं खाना प्रॉपर ले रही थी। मैं ब्रेकफास्ट लेती, ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी और मैं दही नहीं ले सकती थी जो मैं पहले लेती थी, तो मैं उसकी जगह कढ़ी ले रही थी। नेक्स्ट मैं फ्रूट्स लेती मॉर्निंग स्नैक्स में, और लंच में मैं जो जनरल खाना है जो सब्जी रोटी और सलाद लेती थी। नेक्स्ट आफ्टरनून स्नैक्स में मैं सीजनल फ्रूट्स तरबूज ले रही थी, अनार और मैंगो ले रही थी। नेक्स्ट डिनर, डिनर में मैं दाल रोटी और सब्जी लेती थी। लास्ट में सोने के टाइम पर मैं गोल्डन मिल्क दूध ले रही थी जिसमें हल्दी मिला के लेती थी मैं, और काढ़ा काढ़ा भी लेती थी। ये मेरी पूरी खाने की जो मीनू है वो था। मैं मेडिकेशन भी ले रही थी। अब COVID-19 में कोई प्रॉपर मेडिसिन तो है नहीं, पर इसमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यदि अपन लें तो वह काफ़ी असरदार होता है। तो मैं जो मेनली है वह 3 न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ले रही थी। फर्स्ट विटामिन सी टेबलेट्स 500 mg पर डे ले रही थी। नेक्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट पर डे 1 टेबलेट लेती थी। नेक्स्ट मैं जिंक टेबलेट 50 mg OD पर डे 1 टेबलेट लेती थी। जिंक क्या करता है, जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है अपनी बॉडी में उसमें अपने सेल में जो वायरल मल्टीप्लिकेशन है उसको कम करता है। इसके साथ ही साथ मुझे खांसी भी थी, इसके लिए मैं म्यूकोलाइटिक कप सिरप ले रही थी जिसमें एम्ब्रोक्सिल और गुआनफेसिन था जिससे कि खांसी कम आए और कफ पतला होके निकल जाए। अब मेडिकेशन के साथ ही साथ मैं अपने ब्लड ऑक्सीजन लेवल को भी रेगुलर चेक करती थी। मैंने अपने फ्रेंड से ऑक्सीमीटर मंगवा लिया था और उसमें मैं अपने ऑक्सीजन लेवल को दिन में 3 बार चेक करती थी। पर यह मेरे लिए अच्छी बात थी कि मेरा ब्लड ऑक्सीजन लेवल 98 से अबव ही आ रहा था, और यह यदि 95 से कम आए ऑक्सीजन लेवल आप चेक करो तो आपको अपने जनरल जो प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर्स हैं, उनको दिखाने की जरूरत है, उनसे आप फिर कंसल्ट करें। पर मेरा 98 था तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं थी। नेक्स्ट मैं अपना टेम्परेचर भी चेक कर रही थी लगातार, क्योंकि फीवर आता है यदि तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है और आपको डॉक्टर से राय लेने की जरूरत है। नेक्स्ट मैं आयुर्वेदिक प्रिपरेशन भी यूज़ कर रही थी जिसमें काढ़ा काढ़ा भी मैं दिन में 2 बार लेती थी, जिसमें नीम गिलोय, अदरक, हल्दी, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन, आंवला, इनको सबको बॉईल करके साथ में जब वो आधा हो जाता तो मैं उसको लेती थी और उसके अंदर मैं हनी मिला लेती थी और उसको दिन में 2 बार लेती। नेक्स्ट मैं गार्गलिंग जो थेरेपीज है, फिजिकल थेरेपीज, वो भी ले रही थी। गार्गलिंग से क्या होता है कि जो लंग्स में इन्फेक्शन है वह कम होता है, तो मैं दिन में 2 बार गार्गलिंग लेती। नेक्स्ट मैं भाप भी ले रही थी, दिन में 3 बार मैं भाप लेती। भाप से क्या होता है, जो कफ है वह क्या होता है, नम होके पेपर से वह हो जाता है थोड़ा सा नम और ड्राई नहीं रहता, उससे कि वह जल्दी से निकल जाए। नेक्स्ट मैं इसके साथ ही साथ अपने जो जब मैं सोती थी और जब मैं अपनी पोजिशनिंग लेती थी तो उसमें मैं अपनी पोजिशनिंग का ध्यान रखती थी ताकि मुझे प्रॉपर सांस आ सके। तो मैं
ज्यादा से ज्यादा प्रोन मतलब उल्टा सोती थी। अब 10 तारीख तक आते आते मुझे ऐसा फील होने लगा था कि हाँ मैं थोड़ा रिकवर कर रही हूँ, तो अब मैं अपनी जो पुरानी लाइफस्टाइल है उसमें आना चाहती थी। और इसकी शुरुआत मैंने वॉकिंग से की। मैं शाम को जो छत है हमारे घर की वहाँ पर मैं 1 घंटा तक वॉक मैंने 10 तारीख से शुरू कर दी थी। और सुबह सुबह मैं 10 से 15 मिनट तक अपने आप को धूप में रखती थी, मतलब मैं धूप में बैठती थी और सन की अपोजिट साइड में मुंह करके 10-15 मिनट तक बैठती थी। काफी अच्छा लगा, उससे काफी मुझे रिकवरी में हेल्प मिली इन 2 चीज से, एक तो वॉकिंग से और एक सन एक्सपोजर से। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सन एक्सपोजर से विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हमारे इन्फेक्शन को कम करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो सन एक्सपोजर और डेली वॉक बहुत ही जरूरी है। अब मैं रिकवरी की तरफ थी तो और मेरे सिम्टम्स भी कम हो रहे थे। केवल मुझे खांसी थी और सारे सिम्टम्स जा चुके थे। थकान बिल्कुल नहीं थी मुझे, क्योंकि मैंने प्रॉपर अपनी डाइट ली और अपना ध्यान अच्छी तरह से रखा था। इस पूरे टाइम में मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया था। मैं और कोई काम नहीं करती थी, केवल रेस्ट करती थी और अपना ध्यान रखती थी। अब 13 तारीख तक आते आते मैंने अभी अपना सैंपल दिया है RT-PCR। देखते हैं रिपोर्ट क्या आती है। आई होप मेरी रिपोर्ट अच्छी आएगी, मतलब नेगेटिव आएगी। और इस सारी जो सिम्टम्स मेरे आए और कैसे मैंने इनको रिकवरी किया, इसमें मुझे एक बात सबसे अच्छी लगी कि मेरे सिम्टम्स थे वो माइल्ड थे। और इसमें यदि ध्यान दिया जाए तो माइल्ड इस कारण हो सकते हैं क्योंकि मैं वैक्सीनेटेड थी, मैंने COVID-19 की वैक्सीन लगवा रखी थी, तो मेरे सिम्टम्स माइल्ड आए। ज़्यादा प्रॉब्लमेस्टिक और कॉम्प्लिकेशन वाले नहीं थे, मुझे सांस में कोई तकलीफ नहीं आई, ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेरा सही था। और साथ ही साथ मैं जिन घर वालों के साथ रहती थी, जब मुझे पता नहीं चला कि COVID-19 इन्फेक्शन है, वो भी इन्फेक्शियस नहीं हुए। इस तरह से जब भी आपको वैक्सीन लगवाने की मौका मिले, जब आप उस एज तक आ जाएं, तो आपको वैक्सीन जरूर लगवानी है, क्योंकि COVID-19 से फाइट करने का, उसको डिफीट करने का एक्सीलेंट सोर्स केवल वैक्सीन ही है। जब भी आपको इस टाइम पर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, तो आप उसको लाइट नहीं लें, आप उसको COVID-19 ही माने। और जल्दी से जल्दी हो सके तो आपको RT-PCR की सैंपलिंग करवानी जरूरी है। और आपको ये जो सारे सिम्टम्स हैं, यदि तीन सिम्टम्स लगे, कौन से, ड्राई कफ, फीवर और लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, तो आपको COVID-19 की टेस्ट जरूर करवानी है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और